पीएम मोदी आज असम में बाढ़ की समीक्षा करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के बाद अब जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में तेज बारिश की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर जाएंगे। मोदी असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। असम में बाढ़ से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के लखीमपुर और जोरहट जिले में अब भी 5000 से ज्यादा लोग फंसे हैं। हालांकि असम में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। असम दौरे से पहले ही पीएम मोदी बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर चुके हैं। बारिश से आफत की ये तस्वीरें जम्मू से 65 किलोमीटर दूर उधमपुर की हैं, जहां श्रीनगर जाने वाले इस हाईवे पर पानी भरने की वजह से दोनों तरफ जाम लग गया। प्रशासन के अधिकारी मौके पर खड़े होकर धीरे धीरे गाड़ियों को निकलवाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि उधमपुर और रामबन में 3-4 जगहों पर पहाड़ गिरने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। पंथियाल, मेहर, सीरी में भी पहाड़ का हिस्सा गिरा है। आफत की बारिश से जूझ रहे जम्मू की ये तस्वीरें देखिए। मेन रोड पर बारिश का पानी भरा हुआ है। शहर की गलियों का भी बुरा हाल है। देखिए कैसे ये स्कूटर सवार हेलमेट लगाकर पानी में स्कूटर को खींच रहा है। पानी की वजह से स्कूटर बंद हो गया है। तस्वीरें जम्मू के जीवल चौक इलाके की हैं। रविवार शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इलाके की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। जम्मू में रविवार देर रात से हो रही है बारिश और इस बारिश के चलते सड़कों का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। ये सड़क किसी तालाब से कम नहीं लग रही और कमोवेश यही स्थिति जम्मू के अधिकतर इलाकों का है। गुजरात में अब तक बाढ़ और बारिश से 218 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात का बनासकांठा पूरी तरह बाढ़ में डूब गया है। बनासकांठा की वाव तहसील के तड़ाव गाँव की हालत देखिए। गांव के 200 घरों में 2 फुट से अधिक पानी भरा हुआ है। गांव के आसपास वालों ने मदद की है, पर यहां लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार है। गुजरात में बाढ़ में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। बनासकांठा के पाटन जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को जो सामान भेजा गया उस पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार पर बाढ़ का फायदा उठाने का आरोप लगाया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।